Hi guys, so I'm Srishti. I'm here to discuss another section of paper 1, 150 question series, and the section is of reasoning. So the question that follows are from question 21 to 25. So reasoning एक ऐसा section है जहाँ पे थोड़ा सा आपको analytical, थोड़ा सा logical होना पड़ेगा. तो पर अगर अभी आप अभी से शुरू करते हैं reasoning को करना और paper 1 को साथ हमारे साथ करेंगे practice, तो ये eventually आपको डिसम्बर वाला पेपर क्लियर हो जाएगा आपका डेफिनेटली. सो अगर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, क्वेश्चन 21 से अगर हम शुरू करें 3, 10, 29, 66, 127, 218. तो अगर आप नंबर सीरीज को देखेंगे तो आप पहले कंफ्यूज हो सकते हैं कि नंबर सीरीज कौन सा है. आप इसमें स्क्वायर लगा सकते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट सीरीज लगा सकते हैं. तो फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर सिंप्लीफिकेशन, मैं आपको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करके देती हूँ नंबर सीरीज को. पहला है जब आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को कंपेयर करते हैं. तो फर्स्टली आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को कंपेयर करना शुरू करते हैं जिसमें आपके डिफरेंट सीरीज आती है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज आती है एंड देन डिविजन सीरीज आती है. तो ये टाइप ऑफ सीरीज है तीन जो कि आप हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को कंपेयर करते हैं. पर अगर आप यहाँ पे देखें, ना ही डिफरेंट सीरीज का लग रहा है क्वेश्चन, ना मल्टीप्लीकेशन सीरीज है और ना ही डिविजन सीरीज है. तो दूसरे टाइप पे हम चलते हैं. दूसरा टाइप होता है जब आप कोई पर्टिकुलर नंबर जो है, पर्टिकुलर नंबर पे आप फोकस करते हैं. पर्टिकुलर नंबर पे फोकस करने का मतलब है कि आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं उस नंबर को फर्दर. सो दैट कुड बी ईदर एन स्क्वायर और रिलेटेड टू इट, एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, एन क्यूब प्लस वन, एन क्यूब माइनस वन और माइनस टू और प्लस टू, रिलेटेड थिंग्स. सो आप एक नंबर को ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं. और जो थर्ड होता है, ये बहुत रेयरली आता है एग्जाम्स में, बट फिर भी ये होता है, थर्ड होता है जब आप ऑल्टरनेटिव नंबर्स की सीरीज बनती है. ये ऑल्टरनेटिव नंबर्स की सीरीज जब यहाँ बनेगी तो ये थर्ड सेट होता है आपका. पर यहाँ पे अगर हम देखें तो पर्टिकुलर नंबर्स की सीरीज आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही है. यहाँ पे आप देखिए, थ्री को अगर हम लिखें वन स्क्वायर और क्यूब एनीथिंग प्लस समथिंग, टेन, टेन को अगर आप टू का स्क्वायर देखेंगे फोर है, ठीक है. तो मैं इसको टू स्क्वायर लिखती हूँ, टू स्क्वायर और टू क्यूब. 29 को मैं लिखती हूँ टू, थ्री स्क्वायर और थ्री क्यूब. तो आप देखिए ये वाले जो सीरीज है, एन क्यूब की सीरीज इससे ज़्यादा क्लोजली रिलेट हो रही है. तो वन क्यूब इज वन प्लस टू, टू क्यूब इज एट प्लस टू टेन, थ्री क्यूब इज 27 प्लस टू इज 29. तो आप देखिए ये सीरीज आपकी बन रही है. तो ये सीरीज बेसिकली आपकी एन क्यूब प्लस टू की है. तो ये देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे अब आएगा 7. तो 7 क्यूब प्लस टू, 7 क्यूब होता है 343. सो 343 प्लस टू इज 345. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर वन. आप स्क्वायर्स और क्यूब्स, कुछ नंबर्स का स्क्वायर्स तो आप एटलीस्ट 1 से 25 तक का आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में. और क्यूब भी आपको लगभग पता होने चाहिए थोड़े बहुत नंबर्स के. देन वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. ये एक लेटर सीरीज है. अब लेटर सीरीज को सॉल्व करने का तरीका होता है, अगर आपके पास मल्टीपल लेटर्स है तो आप हर एक फर्स्ट प्लेस ऑफ लेटर को कंपेयर करिए. आप देखिए सी डी डैश एफ जी. तो यहाँ पे अगर हम देखें सी डी डैश एफ जी, तो पहला जो मिसिंग है वो स्ट्रेट लाइन में मिसिंग है आपका, कॉन्जिक्यूटिवली लेटर मिसिंग है आपका, तो ये शुरू होगा ई से. नेक्स्ट आप देखिए के एम डैश क्यू एस, तो के एम डैश क्यू एस दैट इज के एम डैश, डैश में आपका आना चाहिए ओ, फिर क्यू एंड देन एस. तो ये एक लेटर छोड़ के फिर आपका सीरीज कंप्लीट होगी. तो यहाँ पे आप ओ लगाएंगे. फिर आपका है यहाँ पे जेड वाई डैश डब्ल्यू वी.
तो आप देखिए यहाँ पे Z Y डैश W V, ये आपका रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेटिकल चल रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिवर्स में है, तो जो मिसिंग है वो क्या है आपका X, तो आपका आंसर हो गया E O X, ऑप्शन नंबर 4. फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23. नाउ क्वेश्चन 23 में आपका सर्टन कोड लैंग्वेज में आपने ही इज लेट को डोरे मी लिखा है, शी इज अर्ली फार्मेला, ही लीव सून सोटीडो, सो विच वर्ड इज दैट लैंग्वेज मीन्स लेट. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप पहले आइडेंटिफाई करिए उस सेंटेंस को जहां पे वो वर्ड लोकेटेड है. लेट आपको फाइंड करना है, तो लेट आपका लोकेटेड है ही इज लेट में. अब आप इस वाले डोरे मी को एक बेस सेंटेंस रख के आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी दोनों सेंटेंसेस से बेस्ड ऑन कॉमन वर्ड्स. सो ही इज लेट में और शी इज अर्ली में कॉमन वर्ड आपका इज है, और डोरे मी और फार्मेला में कॉमन वर्ड क्या है मी, तो इसका मतलब है मी जो है दैट इज इक्वल्स टू इज. फिर आप ही इज लेट को कंपेयर करिए ही लीव सून से, तो इसमें कॉमन वर्ड क्या है ही, और कोड लैंग्वेज में कॉमन चीज क्या है यहां पे डो, सो डो इज इक्वल्स टू ही. अब जो बचा है डोरे मी में, डो आपका हो गया ही, मी हो गया आपका इज, तो आर ही बचा आपका विच इज लेट, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोस, बिकॉज आप हमारे साथ जब प्रैक्टिस करेंगे, क्विजेस होंगे, क्विजेस जब कंडक्ट होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा. आप ज़रूर से अभी से पढ़ना शुरू करिए जिससे कि आप इस वाला जो दिसंबर अटेम्प्ट होगा उसमें आपका क्लियर हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड नंबर 13, 63, 23, 53. तो आप इसमें जब रिलेशन देखेंगे इन क्वेश्चंस में, इस ऑप्शंस में, तो आपको पता लगेगा कि ये जो है ये प्राइम नंबर्स है. नाउ व्हाट आर द प्राइम नंबर्स हियर? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो. तो आपको बाय हार्ट 1 to 100 प्राइम नंबर्स तो एटलीस्ट पता होने ही चाहिए. अभी मैं आपको 1 to 20 तक के प्राइम नंबर्स बता देती हूँ कि प्राइम नंबर्स बेसिकली होते क्या है. प्राइम नंबर्स में आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये आपके प्राइम नंबर्स है. ये कहीं पे भी किसी भी टेबल में अगर आप देखें किसी भी नंबर का मल्टीपल ये नंबर्स नहीं होंगे, ये नंबर्स किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे. तो 13 इज नॉट डिविजिबल, 23 इज नॉट डिविजिबल, 53 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल, बट 63 इज डिविजिबल, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर. 9 sevens are 63 होता है, सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. देन लास्ट क्वेश्चन इज रिलेशन क्वेश्चन. दीज क्वेश्चंस आर द रिलेशनशिप टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कई बार. तो इसमें आपको कुछ साइंस होते हैं जो अगर आप साइंस से फ्लो चार्ट बनाएंगे, ब्लड रिलेशंस का साइंस से बनाएंगे फ्लो चार्ट, तो ये काफ़ी ईजी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्या क्या रहता है. अगर कोई भी मेल है तो एम इज इक्वल्स टू मेल, तो आप इसको प्लस एम लिखिए, आप इसको प्लस एम लिखिए. अगर कोई फीमेल है तो आप उसको माइनस एन लिख सकते हैं. बेसिकली प्लस का साइन आपका मेल के लिए होता है और माइनस का साइन आपका फीमेल के लिए होता है. अगर सपोजिडली ए एंड बी आर मैरिड टू ईच अदर, तो उसका साइन आप बनाएंगे ए इज इक्वल्स टू बी. अगर बोला गया है कि ए इज सन ऑफ बी, तो आप इसको बनाएंगे बी ए, और ए सन है, मेल है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन. ऐसे ही अगर ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो आप इसको बनाएंगे बी ए माइनस. ऑल्सो अगर ए एंड बी जो है वो सिबलिंग्स है, तो आप इसको बनाएंगे ऐसे. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, इससे आपका फ्लो चार्ट काफी इजीली बन जाता है.
अब अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं, इस क्वेश्चन की बात करूं, तो यहां पे लिखा है ई इज द सन ऑफ ए, तो आप ये बनाएंगे ई इज द सन ऑफ ए में ए प्लस ई, बिकॉज ई इज द सन ऑफ ए व्हिच इज मेंशन. अब कई बार ये कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि अब हम फ्लो चार्ट शुरू कहां से करें, तो उसके लिए एक टिप है छोटी सी कि आपके पास ए और ई दोनों के रिलेशन है कि ए फादर है, ई उसका सन है. तो आप कई कॉमन चीज देखिए यहाँ पे अब कि कॉमन अल्फाबेट और कहाँ आ रहा है और वहां से आप अपना फ्लो चार्ट वापस से शुरू करिए. डी इज द सन ऑफ बी, ई इज मैरिड टू सी, हमें पता है ई एक कॉमन चीज है, तो ई इज मैरिड टू सी में आपने ऐसे किया, तो ऑब्वियसली ये एक फीमेल है तो माइनस सी और इज इक्वल्स टू आपका, क्योंकि आप मैरिड है वो दोनों, दे आर मैरिड टू ईच अदर, तो इज इक्वल टू साइन. सो ये आपका ऐसे बना. फर्दर लिखा है डी इज द सन ऑफ बी, अभी हमें ये नहीं पता कि यहाँ ये कहाँ पे आएगा. सी इज द डॉटर ऑफ बी, तो हमें पता है कि ये बी की डॉटर है, और अब हमें ये भी पता लग गया कि डी इज द सन ऑफ बी, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, हमें बताना है डी जो है वो ई से रिलेटेड कैसे है. सो ई इज बेसिकली the husband of D's sister, so D is related to E in the sense that D is the brother, E is the brother-in-law of D. E is the brother-in-law of D, so the answer here is option number 4. For further queries, you can message us on our Telegram group. Further, subscribe our channel, subscribe our videos for more informational content. And for those students who haven't cleared this time, आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करिए, जिससे कि आप दिसंबर अटेम्प्ट अच्छे से दे पाए और आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए. आप अगर चाहते हैं कि हम क्विज कंडक्ट करवाएं तो आप वो भी बताइए. कोई आपको फर्दर क्वेरीज और क्वेश्चंस में या कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना हो, सो डू कॉमेंट सो दैट हम आपके क्वेरीज को अच्छे से डील कर पाए. थैंक यू.